भेज दो उसको, आ जाएगी। आ तो गाइस, यहाँ पर हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इलेक्ट्रिसिटी को सही करवाने के लिए ये अंकल आए थे। Hey guys, this is frankly Sakshi. Welcome back to our YouTube channel. तो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास और बढ़िया। वैसे ये सब कहने के लिए ये, क्योंकि ना मैं मस्त हूँ, ना मैं फर्स्ट क्लास हूँ, और ना ही मैं बढ़िया हूँ। क्योंकि आप सबको पता है गाइस कि पिछले कुछ दिनों में मम्मी का जो हाथ है उसका ट्रीटमेंट हुआ है, और डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा इस पर काम का लोड नहीं देना है। तो उस चक्कर में जो घर का सारा काम है, हर एक माँ है, उन सबको पता है कि घर का काम कितना ज्यादा होता है, कपड़े, बर्तन, खाना वगैरह, साफ सफाई। ये देखो, ये बेचारा बिखड़ा ही पड़ा है, मम्मी ने जिससे काम को हाथ नहीं लगाया। बाकी सब तो हम कैसे ना कैसे कर ही लेते हैं, लेकिन खाना बनाने में हम बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं गाइस, इतना ज्यादा थक जाते हैं, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बचती है। खैर ये सब छोड़ो गाइस, मम्मी की बराबरी तो हम कैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि मम्मी के राज में चार चार सब्जी एक एक दिन में खाते थे, और अभी पिछले कुछ दिनों से पराठे अचार, पराठा अचार शाम को बहुत ज्यादा ही बन रहा है। तो उस चक्कर में सही से प्रोटीन भी नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा वेट लूज तो कहाँ से होगा। इतनी थकान के बाद हम एक आध ब्लॉग बना भी लेते हैं, तो उसमें हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि हमको खुद को ही दिखने में पसंद नहीं आता है। तो आप लोगों को आ रहा होगा, मुझे पता है गाइस, लेकिन मुझे खुद देखने में वो सेटिस्फाई, मतलब कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ तो कमी है। तो उसको मैं कैसे बस डाल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे थे कि आप डेली ब्लॉग्स लेकर आओ, डेली ब्लॉग्स लेकर आओ, बट मैंने डाल दिया जैसे तैसे। उनको ये लग रहा था कि अपन आलस के मूड में चले गए हैं। गाइस, आलस की तो कोई बात ही नहीं है, आपको पता है गाइस कि मैं जब ठान लेती हूँ, तो आज मुझे 1.5 से 2 महीने हो गए डाइट करते करते, और 1 साल हो गए कंटिन्यूस विदाउट गैप ब्लॉग डालते। बिल्कुल गाइस, लेकिन अभी क्या होता है ना, सबकी लाइफ में एक डिप्रेशन जैसा माहौल छा जाता है, जिस टाइप का कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो बस वही डिप्रेशन कह लो या फिर कुछ भी ऐसा वर्ड बोल लो जो मेरी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। घर के काम को करने के बाद इतना ज्यादा थक जाते हैं कि पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम सो रहे हैं तो बिल्कुल सोते ही जाओ। ये आलस नहीं है गाइस, ये क्या है ना, एक जिम्मेदारी आ गई है हमारे कंधों पे, जो कि हमको पूरी करनी है। नीचे दादाजी, पापा, एक बार को हम लोग पोहे बना के खा ले, मैगी बना के खा ले, उनको कैसे देंगे? एक दिन दे भी देंगे, 15 दिन तक एटलीस्ट कैसे देंगे? बिल्कुल गाइस, तो ऐसा नहीं होता है। अब वो उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते ये वाली जिम्मेदारी छूट गई, पर कोई नहीं गाइस, मैं इसको डेफिनेटली पकड़ूंगी, और ऐसे पकड़ूंगी कि 5-6 साल तो बनाती रहूंगी। वैसे मैं बिल्कुल ही कायम नहीं हुआ, जैसे कि मेरी एक भी वीडियो नहीं आई है 1 महीने से, ऐसा नहीं है गाइस। शॉर्ट्स आप उठा के देखो, मैं एक एक दिन में 4-4, 5-5 शॉर्ट्स डाल रही हूँ, बट क्या करूँ, लॉन्ग के लिए गाइस बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। पर आज मैंने सोच लिया कि आज मैं आपके लिए ब्लॉग बनाऊंगी, और मेले वाले कपड़े दिखाऊंगी जो कि मैं 5 से 6 दिन पहले लेकर आई थी। नहीं, 5 से 6 दिन का, आज के सैटरडे है ना। हाँ, अपन वेडनेसडे को ही गए हैं। ओके, मतलब 2 दिन पहले। उससे पहले गाइस एक मम्मी का सरप्राइज है, सरप्राइज कह लो या फिर मम्मी की एक ख्वाहिश कह लो, मतलब खाने का बहुत मन है। लेकिन अब आके देख लो मम्मी की फरमाइश की चीज जो कि हम बनाने वाले हैं, तो चलो मम्मी से ही जानते हैं। उसी ज्योतिया फोन लगा, क्यों आते आते केक ले आओ। तो गाइस, बाहर का खिलाने से अच्छा है हाथों से बना हुआ केक खिलाएं, तो चलो बनाते हैं। और क्या बनाने वाले हैं, आपको खुशी बताएगी। केक डायरेक्ट, थोड़ा सस्पेंस तो करती। तो हम करने वाले हैं मम्मी की फरमाइश को पूरा, तो किसी में तो रहना ही पड़ेगा। सब कुछ चौपट ही करवा रहा, मुझको तो ऐसा लग रहा है खाने में पता चलेगा। काला काला सा क्या लग रहा है? कुछ अच्छी सी खुशबू नहीं आ रही। खुशबू तो तब आएगी ना जब गैस पर कहीं आएगा। अगर तुमको पीला चाहिए था तो तुम वो करते, फिर हम कोई और साबुन ले लेते। केक का ब्रेड तो हमने वहाँ पर रेडी हो गया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। क्रीम इसमें बन रही है, और इस क्रीम का नाम है डेरी मिल्क, मतलब क्रीम बनाना नहीं आता है। इसके बाद धीरे सेट करने के लिए रखेंगे, ठंडा खिलाएंगे, गरम गरम थोड़ा खिलाएंगे, पता है। तो फिर पहले ठंडा ही जान देना, उसके बाद क्रीम करेंगे। कर लो। तो गाइस, फाइनली हमारा केक रेडी हो गया है, आप उसको ठंडा करने के लिए रखते हैं, जिससे कि वो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाए। फिलहाल मैं खाना खा लेती हूँ, बिकॉज मैंने खाना नहीं खाया इस केक के चक्कर में। मैंने खाना खा लिया है, और मैंने इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो अब ये सेट भी हो गया है और मेरा खाना भी हो गया है। तो खाने के बाद मीठा तो मैं नहीं खाऊंगी, बाकी सबको क्यों नहीं खिलाए, तो चलो चलते हैं। मम्मी तो केक का इंतजार करते करते ही सो गई। मम्मी केक खाओ। केक है,
ओरियो केक। तू टेस्ट कर। अच्छा है दीदी, मुझे तो खिला। बहुत अच्छा है। एक बार और भैया। कहाँ भैया? बुला के ला दो। पानी भी ले आ दी मुझे। मामी आप थोड़ी सी तारीफ कर दो, कैसा लग रहा है? नहीं थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी तारीफ है। गजब लग रहा है बिल्कुल। वो एन सॉफ्ट बनाता बस। मुँह में डाला, दांत की भी जरूरत नहीं बड़ी लगाने की, सीधा गले से नीचे पहुंच गए। मतलब टेस्टी था बहुत ज्यादा। दो चार दिन में ऐसे ही केक मुझे बना के दे दिया करो। दो चार दिन में खुशी मम्मी क्या बोल रही है? दो चार दिन में ऐसे ही केक मुझे बना के दे दिया करो। मम्मी दो चार दिन में हर किसी का बर्थडे आना चाहिए फिर। नहीं मेरा बर्थडे की बना दो तुम, कोई बर्थडे। वैसे आज किसका बर्थडे था? आज तो मम्मी के खाने का मन था। हाँ मन था। लेट्स सी। अच्छा बोलना जरूरी है चाहे कैसा भी लगे। मम्मी ने पानी पिया है, मतलब कुछ तो अजीब है। मम्मी ने पानी पिया है, उससे पहले दो चम्मच भी खा चुकी थी। तारीफ नहीं हुई ना तो ये मुक्का मुंह में आके पड़ेगा सीधा। हाँ तारीफ तारीफ दोनों तरफ से तैयार है तेरे लिए। गुट कस के नहीं वास्तव में अच्छा बना है। ठीक है फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस के हिसाब से। फर्स्ट नहीं है थर्ड है। अच्छा खुशी भैया ने तारीफ नहीं करी मतलब उसको अच्छा नहीं लगा है तो नेक्स्ट टाइम से अपन नहीं देंगे। नेक्स्ट टाइम छोड़ अभी सही नहीं देंगे। हाँ ठीक है तो भैया नहीं अच्छा 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 खाने के लिए अच्छा है नहीं रियलिटी में बताओ कैसा है। रियलिटी में अच्छा नहीं वैसे अच्छा है। तो प्रेमत का बात करो। हाँ खुशी खाएंगी क्योंकि वो मलाई नहीं दी ना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार मलाई दे दे तो थोड़ा मैं। वो मलाई नहीं है व्हाइट क्रीम है। व्हाइट क्रीम दे दे तो आई एम ट्राइंग। मुझको काला वाला ही अच्छा लग रहा है। दोनों सेम है। अब अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है मैं तो खाए जा रहा है और तारीफ नहीं कर रहा है ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। आई वांट तारीफ। खास नहीं है अच्छा है अच्छा है बहुत अच्छा नहीं है। खास नहीं है ना भाई? खास नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यू वांट व्हाट सी खास नहीं है जो ती अच्छा नहीं है। थोड़ा ज्यादा हो गया ये वो कम हो गया। और खाने के लिए ये देखो टेस्टी नहीं बना के सच्ची बता। तीसरी बार बना रहे हैं। पहले बनाया सबसे पहले कब बनाया थी? मम्मी के बर्थडे पे। मम्मी के बर्थडे पे फिर मेरे बर्थडे पे फिर क्या जबरदस्ती की तारीफ करे? क्या मैंने चाहिए अच्छी तारीफ नहीं है अच्छा। अरे नहीं मिलेगा जब अच्छी चीज नहीं होती तो मिलती नहीं है। मुझे तो खाने से मतलब दीदी अच्छा नहीं है। ठीक है तो फिलहाल गाइस बहुत हो गई पंचायत। अब ये सब तो छोड़ो, साथ में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेले के कपड़े जो कि हम लेकर आए थे। होने के बाद सारे के सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये वाली टी शर्ट पहन, ये वाली ज्यादा अच्छी है। ये वाली? हाँ एक बार ट्राई करके। ओके गाइस तो मैं ये पहन के आती हूँ 2 मिनट में। तो गाइस कैसी लग रही है मेरी ये नई टी शर्ट? और काफी ज्यादा मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। बस हाँ थोड़ी सी टाइट है मुझे पता है गाइस, लेकिन क्या है ना कि मैं डाइट कर रही हूँ फिर मैं पतली हो जाऊँगी और उसके बाद अगर मैं लूज लेकर आई थी तो वो ज़्यादा ही लूज हो जाती, इसीलिए मैं टाइट लेकर आई हूँ जिससे कि नॉर्मल हो जाए। नहीं ये अच्छी है पर इसके पीछे का बैग ज़्यादा अच्छा है। दी तू उल्टा पहन के आई है टी शर्ट सीधा है। दी तू उल्टा पहन के आई है टी शर्ट सीधी है। गॉड प्रॉमिस तू उल्टा पहन के आई है। हाँ मुझे भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही थी। ये आगे की तरफ आधा रोक जा, हम भैया से पूछते हैं। आए इधर सीधी है या फिर उल्टी है? सीधी है ना मम्मी? सीधी है पीछे ही आगे आता। हम भारी चेंज करेंगे तुम अंदर जाओ। हुआ अब लग रही है ना अच्छी। कैसा है देखा सामने देख? अच्छा है ना? कैसे लग रहा है गाइस आप जल्दी से कमेंट में बता दो फटाफट से कि कैसा लग रहा है ये वाला आउटफिट। मुझे तो खतरनाक लग रहा है। इस कलर में पूरा लुक करके आई हूँ और मैं इस पे पूरी फुल छोटी बनाऊंगी लेकिन अभी नहीं क्योंकि मैंने अभी बाल धोया है। और गाइस आप लोगों ने नोटिस किया होता है ये मेरा फेवरेट वाला लोअर है जो कि मैंने पहली पसंद में पहला प्यार इसको सिलेक्ट किया था। बस थोड़ा सा ये लंबा है मेरी हाइट के हिसाब से
बट कोई नहीं, मम्मी टेलर है ना सही करने के लिए। ये वाला जो गेटअप है वो कैसा लगा है कमेंट पे जरूर बताना, और बहुत लोगों ने तो बता भी दिया होगा। तो गाइस आप लोगों को याद है भैया कुछ दिनों पहले ये बोल रहा था कि वो एक ज़ारा की टी शर्ट लेकर आया है, सेम टू सेम यही व्हाइट कलर की थी फुल स्लीव्स पर हम लोगों ने तो बोला नहीं यार, क्योंकि हमने उसको आज से पहले तो कभी देखा ही नहीं था। आज देखा, जब खोजा भी नहीं करने के बाद हमको पता चला कि रियलिटी में भैया ये सेम टू सेम ऐसी टी शर्ट लेकर आया है। सच में गाइस वो टी शर्ट बहुत अच्छी थी ज़ारा की, मैं आपको डेफिनेटली इसी ब्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मैं इसको चेंज करके आती हूँ। तो गाइस फिलहाल मैंने ये वाला गेटअप कर लिया है और बस मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मुझे ऐसा यकीन है। आप लोग भी चेंज हाँ कर लिया, कैसी लग रही हूँ देखा? दीदी कितनी ज़्यादा क्या बोली? अरे टाइट ज्यादा लग रही है, तू मोटी हो गई घुसी नहीं सच में पहले वाले में तो थोड़ी ठीक भी लग रही थी, लग रही है ये कहाँ लेके जाओगी नहीं गॉल्स में मोटी लग रही हूँ नहीं मोटी नहीं बहुत मोटी लग रही है ये कहाँ लेके जाओगी पहले तो उसको बताओ। शोपर कुत्ती थैंक्स। अरे झूठी बोल दे कि सुंदर लग रही हो दीदी, तू बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है मतलब सीधी बात ये बोल देना गाइस कि मेरे भाई अच्छा नहीं लग रहा है, मोट लू रही है क्या है तू, ऐसी मजा तू दिमाग करा हुआ है, गर्मी से सटक गई है। सही बोल रही हूँ मैं तो अच्छा नहीं लग रहा, डायरेक्ट बोल रहा है यार ये इतनी, इसको कहाँ लेके जाओगे, व्हाट इज दिस, ये अच्छा लग रहा है चूहे तो उसमें तो मेरी बहन हुई ना खुशी। अब आप लोग ये बता दो कमेंट करके कैसा लग रहा है मेरे पे और कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला या फिर वो वाला। और गाइस ये वाला जो है ना, ये वाला जो लोअर है आई थिंक इसको प्लाजो बोल सकते हैं, लोअर भी बोल सकते हैं क्योंकि मिक्सअप है, तो ये मैं लेकर आई हूँ खुशी के लिए। और खुशी अभी चेंज नहीं करेगी क्योंकि वो मेरी बच्ची बहुत ज्यादा थक गई है मेरी बुराई कर करके, इसीलिए देखो एक आंख से देख रही है। जल्दी आ रहा आ रही आ रही, तो वो बाद में चेंज करके बताएगी। शॉपिंग तो आपने देख ली होगी। और हाँ गाइस मैं डेली शॉर्ट्स डाल देंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखो, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब करके जाना। चलो बाय बाय।